मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को परमिट नहीं दिया जाता और ना ही इसके परमिट को रिन्यू किया जाता है। अगर कोई बस 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो उसे अधिकृत स्क्रैप यार्ड में जमा कराना होता है। लेकिन भिंड जिले में ठीक उल्टा हुआ। जिले में पदस्थ जिला परिवहन अधिकारी स्वाति पाठक के लिए विभागीय नियम कोई मायने ही नहीं रखते हैं। उनके खुद के बनाए हुए नियमों से ही विभागीय काम होते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला परिवहन अधिकारी स्वाति पाठक के लिए राजपत्र भी कोई मायने नहीं रखता। उनका ऐसा ही एक कारनामा निकलकर सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र को दरकिनार करते हुए एक यात्री बस को लगातार एक साल तक अस्थायी परमिट जारी कर दिए गए। हालांकि इस पूरे मामले में RTO मैडम स्वाति पाठक को फोन लगाया गया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में RTO मैडम पर क्या कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश में हर बार जब सड़क हादसे होते हैं तो सरकार एकदम से जागरूक हो जाती है और तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, और जो मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें जांच वगैरह की जाती है कि ये इस जो वाहन है उसमें क्या क्या कमियां हैं। लेकिन एक मामला भिंड में निकल कर सामने आया है, जिसमें एक जो बस है वो लाहौर से दबोह चलती है और उस बस का एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार से ज़्यादा बार परमिट जारी हुआ है, जबकि वो जो बस है उसकी जो एज है वो 16 साल हो चुकी है। और अभी जो राजपत्र आया था उसमें जो नियम में संशोधन हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 साल से ज़्यादा पुराना जो कोई भी व्हीकल है उसकी उसको परमिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसको परमिट देकर उसको चलाया जा रहा है। अगर वो बस हादसे का शिकार होती है तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी तय होगी। हमने इस मामले को लेकर हमने RTO स्वाति पाठक को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे परमिट जारी करने वाली RTO पर जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करती है। MP News के लिए मनीष ऋषिश्वर, भिंड।